अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। बात करूंगा आज मैं आपसे BUMS के बारे में, एक और कॉलेज के बारे में बताऊंगा आपको। यहां से आप BUMS कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता दोस्तों ये कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों। नाम है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बे कॉलेज दोस्तों। ये करोल बाग दिल्ली के अंदर है और DU के अंडर में दोस्तों ये आता है। बहुत ही सस्ता यहाँ से आप BUMS कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं BUMS की, कौन कौन है, मतलब कितने क्या मतलब दोस्तों यहाँ कितनी सीट्स हैं, क्या है दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी है, कितनी फीस आपको पे करना पड़ेगी बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबा दें कि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँचती रहें दोस्तों। पहले बात दोस्तों जो है, अगर आपको सीट मिल भी गई है, काउंसलिंग से स्टार्ट होने वाली है, और सीट मिलने के बाद आयुष में इसके बाद आपको FMSC की साइट पर जाके भी रजिस्ट्रेशन करना है। और उसकी फीस आपको 2021 का दोस्तों दिया हुआ है, 24 का भी अपडेट नहीं आया है। 1500 रुपये दोस्तों फॉर जनरल एंड दोस्तों EWS और OBC दोस्तों, और 1000 रुपये SC ST 2021 का था। 24 में देखते क्या होता है, लेकिन इससे ज़्यादा होने वाला है, कम तो होने वाला दोस्तों इससे नहीं है। तो बात कर लेते हैं यहाँ कितनी सीट दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगी। सीट दोस्तों यहाँ पर हैं 75, जिसमें के 85% कोटा दोस्तों हम सब जानते हैं, जो भी DU आपके दिल्ली के अंदर होता है कॉलेज, उसमें 85% सीट जो है वो दिल्ली वालों के लिए होती हैं जो वहाँ के होते हैं, और बाकी 15% सीट बाहर वालों के लिए होती हैं। तो आउट ऑफ 75 64 सीट दोस्तों जो है वो दिल्ली वालों के लिए है, कोटा है, और 15% दोस्तों AIQ होता है जो कि नीट का एक रूल है दोस्तों। उसमें जो आपके 75 सीट्स हैं यहाँ दोस्तों, जो इसका जो आपके डिवीजन है 64 सीट्स का बता रहा हूँ आपको, बाकी 11 सीट्स वो अलग हैं। 28 सीट दोस्तों हैं फॉर जनरल दोस्तों, उसके बाद 8 सीट दोस्तों जो हैं वो SC के लिए हैं दोस्तों, और 1 सीट दोस्तों जो है SC PWD में है दोस्तों। उसके बाद 4 सीट जो हैं वो हैं ST में दोस्तों, 17 सीट्स हैं OBC के अंदर, और बाकी 6 सीट्स हैं EWS के अंदर। सो उसके अलावा 4 सीट्स और हैं, जो कि 2 सीट हैं फॉरेन नेशनल के लिए, 2 सीट दोस्तों जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको नॉमिनेट करेगी उसके लिए हैं दोस्तों। ये था सीट का डिवीजन दोस्तों। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो पहले बात करूँगा आपसे, जो कि DU मतलब दिल्ली के लिए दोस्तों जो कोटा है, आपने क्लास 12 किया हो दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे दिल्ली में NCT के ही किसी स्कूल से आपको पास करना मैंडेटरी है। अगर आप दिल्ली के भी हैं और आपने 12th किसी बाहर से किया, तो आपको शामिल इसके अंदर नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, 11th 12th आपने वहीं से पास किया होना चाहिए दोस्तों। या तो आपका CBSE बोर्ड है वहाँ पर, या आपका ICSE बोर्ड है दोस्तों, उसके अलावा जामिया मिलिया है, या कोई भी और हो जो कि दिल्ली जिसको कि मानता है, और वो जो आपका स्कूल है वो NCT के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद दूसरी दोस्तों पॉइंट है, आपको PCBE आपको पास करना है इंडिविजुअली। अगर आप जनरल दोस्तों हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको मतलब PCBE में आपको 50% मार्क दोस्तों स्कोर करना है इनका एवरेज PCBE का दोस्तों। और अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, अगर आप SC ST OBC हैं, तो 40% मार्क्स आपको स्कोर करना है, मैंडेटरी है दोस्तों। उसके बाद एक पॉइंट और अच्छा ये है कि अगर आपने जो है एक बात और दोस्तों, जिनको BUMS करना होता है उनको क्लास 10th लेवल की उर्दू आना चाहिए, तो आप पे क्लास 10th में आपने उर्दू ज़रूर पढ़ी होना चाहिए दोस्तों, ये मैंडेटरी है। कोई आपका डिप्लोमा है वो मैंडेटरी है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का दोस्तों। उसके बाद एक बात और बहुत अहम पॉइंट, जिन बच्चों ने NAUS से 12th पास किया है, लेकिन ध्यान दें उनका सेंटर सब कुछ जो है वो दिल्ली के अंदर था, NCT के अंदर था दोस्तों, तो वो उसके लिए एलिजिबल हैं, तो उनको दिक्कत नहीं। अगर आप NAUS से भी आपने 12th पास किया, जब भी आप जो है इसमें एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए, जो कि आपको टेस्ट पास करना है तो मैंडेटरी है ही, वो तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद अब जो 15% दोस्तों जो कोटा है वहाँ पर, हम सब जानते हैं पूरे इंडिया में कहीं से भी आपने पास किया हो कोई दिक्कत नहीं है, और मार्क्स का दोस्तों जो है वो सारा वही है। बाकी दोस्तों उसके बाद जो दो कंडीशन है वो सारी सेम ही है, ये लोग भी अगर आपने NAUS वाला पॉइंट दोस्तों बहुत अहम है, अगर आपने इससे किया जब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका जो आपका एंट्रेंस, हम सब जानते हैं नीट से होता है, और 50th percentile दोस्तों फॉर जनरल, और दोस्तों उसके अलावा जो आपका SC ST है और उनके लिए दोस्तों PWD के दोस्तों जो केस में, और आपका OBC है और SC है दोस्तों, यहाँ 40th percentile आपको मैंडेटरी है, इतना स्कोर आपका आना चाहिए दोस्तों। इसका जो मीडियम होगा वो आपका उर्दू में होगा, उर्दू विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन फॉर BUMS। ध्यान रहे सारे एग्जाम आपके उर्दू में होंगे, और पढ़ाया भी आपको जाएगा वो उर्दू में ही पढ़ाया जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं यहाँ कितनी फीस, फीस दोस्तों एक बहुत अहम पॉइंट होता है, कितनी फीस दोस्तों यहाँ पर आपको पे करनी पड़ेगी। मैंने बताया था फीस बहुत कम है,
सो फीस आपका जो फर्स्ट प्रॉफ है, और तो वहाँ दोस्तों आपकी जो फीस है टोटल पूरे प्रॉफ की दोस्तों वो है 1325 और 1025। सो लगभग आपको 2350 ये फर्स्ट प्रॉफ की फीस दोस्तों आपको पे करना होगी, क्योंकि बिल्कुल आपका जो है फ्री का सा है, एक साल का लगा लें आप, केवल आपको 2350 रुपये पे करने हैं। और बाकी दोस्तों और बाकी साल का भी सेम ही होगा, क्योंकि पहले साल में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद तो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको फीस पे नहीं करनी। तो आप समझ लें कि 5 साल 5.5 साल, क्योंकि आपका 4.5 साल का दोस्तों कोर्स और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है जो कि आपको करना पड़ती है, मैंडेटरी है। तो आपका फीस की बात अगर मैं करूँ तो लगभग आपका 12-13 हज़ार रुपये में सारा मामला निपट जाएगा, इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये थी आपकी फीस। तो उसके अलावा जो और तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने अपना एडमिशन जो है कैंसिल आप चाहते हैं हो जाए और फी रिफंड की दोस्तों पॉलिसी, तो अगर आप लास्ट डेट से पहले अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया है तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद सेकंड, अगर आपने लास्ट डेट के बाद 3 दिन के अंदर अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया है तो आपकी केवल एग्जामिनेशन फीस वापस की जाएगी दोस्तों। और थर्ड पॉइंट दोस्तों ये है, अगर कॉलेज की वजह से कोई गलती हुई है दोस्तों, उस केस में कॉलेज आपकी पूरी फी रिफंड करेगा दोस्तों। लास्ट अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट वगैरह के बेस पर एडमिशन लिया है, उसके बाद कैंसिल होगा, उस केस में कोई फीस आपकी वापस नहीं की जाएगी। सो अगला पॉइंट है, अगर कोई भी स्टूडेंट BUMS में इसका एडमिशन हुआ है, अगर वो 30 दिन तक जो है वो एबसेंट रहता है, क्लास नहीं करता है, तो उसका नाम काट दिया जाएगा दोस्तों। उसकी कोई उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और उसकी फीस भी उस केस में रिफंड नहीं की जाएगी दोस्तों। ये था सारी मेन दोस्तों इन्फॉर्मेशन अबाउट BUMS एट आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज। आई होप आई हेल्प यू इन दिस वीडियो दोस्तों। अगर मैंने हेल्प किया प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।